भोपाल में सबसे बड़े हॉटस्पॉट जहांगीराबाद में कोरोना के बड़े खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यहां नए फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। पूरे भोपाल में जहां कोरोना के अब तक 900 मामले सामने आए हैं, वहीं अकेले इसी जहांगीराबाद से 226 मामले सामने आ चुके हैं। दंगलियां और घनी बसाहट वाले जहांगीराबाद में पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट और नगर निगम के सफाई कर्मियों के अलावा किसी और को आना मना है। हम इस वक्त भोपाल के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके जहांगीराबाद इलाके के बाहर मौजूद है। ये इलाका भोपाल का फिलहाल सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन है। हम जिस जगह पे मौजूद है उसके आगे आम लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। केवल स्वास्थ्य अधिकारी और कानून व्यवस्था में लगे जो पुलिसकर्मी है वही आगे जा सकते हैं। नगर निगम की टीम आप सामने देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मा है इस खतरनाक जगह की साफ सफाई का, और साथ ही में इसके अलावा जो तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं नगर निगम की तरफ से वो यहां पर पहुंचाने का। ये वो इलाका है जहां पे अब तक कोरोना के 200 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। 9 लोगों की मौत जो है अब तक इन इलाकों में हो चुकी है कोरोना की वजह से, और इसीलिए इस पूरे जहांगीराबाद इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया है, कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। और अब नगर निगम की तरफ से यहां पे एक नई योजना शुरू की गई है। ऐसे लोग जो कि इस इलाकों में रहते हैं, इन गलियों में रहते हैं, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ना ही उनमें किसी तरीके का कोई लक्षण है, उन्हें यहां से अब सुरक्षित जगहों की ओर भेजा जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। संक्रमण जब तंग गलियों वाले जहांगीराबाद में नहीं रुक रहा है, तो अब स्थानीय प्रशासन ने जहांगीराबाद हॉटस्पॉट में शिफ्टिंग फार्मूला लागू कर दिया है। इस फार्मूले के तहत जहांगीराबाद में पॉजिटिव आने वाले मरीजों के आसपास रहने वाले घरों को खाली कराया जा रहा है, और इनमें रहने वालों को विशेष बसों के जरिए शहर के सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक यहां घनी बसाहट के कारण संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। डेंस एरिया काफी है, इस वजह से ही इशू आ रहा है, और शुरू शुरू में जब काफी इंट्रेक्शन था तो उसकी वजह से भी दिक्कत आई, लेकिन अब चीजें कंट्रोल है। अच्छी चीज ये है कि टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लगातार हम लोग 15-20 दिन से टेस्ट कर रहे हैं, रैंडम टेस्ट भी कर रहे हैं, सिस्टमेटिक टेस्ट भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। जैसे जैसे हमारे एम्बिट में आ जाएंगे हम लोग उनको कंट्रोल कर लेंगे। कुछ और अनाउंसमेंट वगैरह यहाँ हो रहे हैं ताकि लोग, अनाउंसमेंट लगातार हो रहे हैं यहाँ पे, हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल भी बनाई है, लोग किसी भी तरह की अपनी कंप्लेन है उनको यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं, उनकी कोई नीड्स है उनको हम पूरा कर रहे हैं, एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं, सोशल पुलिसिंग पे भी हम लोग जोर दे रहे हैं ताकि लोग, हम लोग सभी मिलकर इस सिचुएशन को। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में राजधानी भोपाल का इंदौर के बाद दूसरा नंबर है, और अकेले जहांगीराबाद में भोपाल के 25% कोरोना के मरीज हैं। ऐसे में सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने कोरोना संक्रमण को इस इलाके में ही रोकना बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां से संक्रमण बाहर फैला तो फिर भोपाल में हालात और बिगड़ सकते हैं। एमपी तक के लिए रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट। 900 करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें अब यहां से सुरक्षित जगहों की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। हर बस में 32 लोगों को बैठा के रवाना किया जा रहा है भोपाल की सुरक्षित जगहों की ओर, जहां पे प्रशासन ने उनके रहने खाने पीने का बंदोबस्त किया हुआ है। रवीश पाल सिंह, भोपाल।